हेलो एवरीवन, बजट 2024 प्रेजेंट कर दिया गया है 1 फरवरी को। ऑल दो ये एक इंटरिम बजट है और फाइनल बजट प्रेजेंट किया जाएगा इलेक्शंस के बाद में। वैसे तो अगर हम बजट की बात करें तो एक आम आदमी के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं आया है, बट फिर भी जो कुछ चेंजेस आए हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बेनिफिट दिया गया है स्टार्टअप्स को, कुछ टैक्स बेनिफिट जो स्टार्टअप्स को दिए गए थे और जो एक्सपायर हो रहे थे एज ऑन 31 मार्च 2024, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 मार्च 2025 तक। इसके अलावा एक और छोटा सा चेंज किया गया है टैक्स पेयर्स के लिए है, जो आपकी इनकम टैक्स की डिमांड बहुत पुरानी चल रही थी और जिनकी वजह से आपके सब्सिक्वेंट ईयर्स के रिटर्न्स को भी प्रोसेस होने में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको अब हटा दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक की 25,000 रुपीज तक की डिमांड को हटा दिया गया है। उसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से 14-15 तक की 10,000 रुपीज तक की अगर आपकी डिमांड है तो उसे हटा दिया गया। मतलब अगर ये डिमांड आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे शो हो रही थी तो अब वहां से इसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो हमारा पुराना टैक्स स्लैब्स था कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख रुपीज तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। ऑल दो ये 7.5 लाख हो जाता है बिकॉज 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है। और साथ ही अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपका 5 लाख तक का एग्जेम्पशन है। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन जो रिटेल बिजनेस के लिए थी 2 करोड़ से 3 करोड़, ये भी इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। साथ ही प्रोफेशनल के लिए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की लिमिट को 50 लाख से 75 लाख बढ़ा दिया गया है, ये पिछले साल ही कर दिया गया था, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा फर्म्स, कॉरपोरेट्स, कंपनीज किसी के भी टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। वैसे देखिए तो आम आदमी के लिए बहुत कुछ नहीं है इस बजट में, बट जो छोटे चेंजेस हैं इनकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। फॉर मोर सच कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपकी बजट 2024 के बारे में क्या राय है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।